नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू और इस वक्त बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी गठित होगी। केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कमेटी इस मुद्दे पर विचार कर रिपोर्ट अपनी सौंपने वाली है। तो जिस तरह की मांग लगातार हो रही थी, सालों भर चुनाव होते हैं, इसको लेकर यही मांग हो रही थी कि एक देश एक चुनाव क्यों ना कराया जाए। और अब इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। एक देश एक चुनाव को लेकर एक कमेटी गठित की जाएगी। केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी इस मुद्दे पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देगी कि किस तरह से इसको लागू किया जाए पूरे देश में। तो एक देश एक चुनाव, जिस तरह से लगातार पूरे साल चुनाव होते हैं, चुनाव में खर्च बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे लगातार यही कोशिश की जा रही थी कि क्यों ना अगर एक देश है तो फिर एक ही समय में सभी राज्यों और केंद्र के चुनाव करवा लिए जाए। इसी को लेकर अब ये कमेटी का गठन किया है। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, लगातार इस बात की डिमांड की जा रही थी कि देश एक है तो चुनाव भी एक ही समय में सभी राज्यों के केंद्र के हो, और अब इसे लेकर सरकार का बड़ा फैसला। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि एक देश में एक चुनाव होने चाहिए, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की बात वो बहुत पहले से, पहले ही कार्यकाल की शुरुआत से वो कहते रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कंसल्टेशन का दौर भी शुरू हुआ था, हालांकि कई टेक्निकल पींच उस समय आई थी जिसकी वजह से कंसल्टेशन रुक गया था। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, देखिए अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो गया। कौन कौन से सदस्य होंगे इसके लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से, और उसके बाद जो है वो कंसल्टेशन का दौर शुरू हो गया। इसमें जितने स्टेक होल्डर हैं, राज्य सरकारें हैं, उनसे सबसे बातचीत की जाएगी। इसके अलावा लॉ मिनिस्ट्री से इस पर बातचीत की जाएगी और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से देश में वन नेशन वन इलेक्शन किया जा सकता है, किस तरीके से साथ में चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि पेज बहुत ज्यादा है, लेकिन इस कमेटी के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर पर केंद्र सरकार इस बात को लेकर कितनी गंभीर है ये साबित हो जाता है। जी। बिल्कुल अनूप जी, कमेटी के अध्यक्ष की तो घोषणा कर दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे, लेकिन सदस्य कौन होंगे अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस बात को लेकर पेच था, अभी भी पेच है। भारत एक बड़ा राष्ट्र है, हर राज्य में यहां पर चुनाव होते हैं। हर साल हम देखते हैं कि दो तीन स्टेट में चुनाव होते हैं। ऐसे में जब ये कमेटी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो कोई ऐसा टाइम फ्रेम है कि इतने टाइम पर यह रिपोर्ट दे देंगे, या कुछ इस तरह की खबर सामने आ रही है कि कब तक ये कमेटी पूरी तरह से गठित होगी और क्या टाइम फ्रेम होगा इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए? देखिए अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक ये कमेटी जो है वो जल्द से जल्द सभी स्टेक होल्डर से बात करेगी और उसके बाद एक अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को सौंपेगी। यानी कुल मिलाकर के अभी कोई टाइम फ्रेम अभी तय नहीं किया गया। हालांकि इसका इंतजार किया जा रहा है जब सरकार की तरफ से ऑफिशियल इसके लिए नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, क्योंकि देखिए अभी इनके अध्यक्ष कौन होंगे इसकी तो बात सामने आ गई है, लेकिन इसके सदस्य कौन होंगे इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। तो शायद ये नोटिफिकेशन जारी होने के वक्त शायद इस पर सारी जानकारी उसमें शामिल हो। लेकिन देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि अगर देश में अलग अलग तरीके से जब चुनाव होते हैं, देश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जो अलग अलग तरीके से होते हैं, तो कहीं ना कहीं खर्च बहुत ज्यादा होता है, उससे परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के एक पूरा ट्रूप होता है जो लगे रहते हैं इस काम में, और अगर आप देखें तो साल भर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर एक बार सारे राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो फिर ये सारी समस्याओं से कहीं का समाधान हो जाएगा। तो आप लेकिन देखिए कई विधानसभा, कई राज्य सरकारें हैं जो इनका विरोध करती है, कई तरह की बातें हैं। अब ये देखना लाजमी होगा कि रामनाथ कोविंद
किस तरीके से कंसल्टेशन को आगे बढ़ाते हैं, इसमें क्या क्या पेचीदगियां सामने आती है, किस बिल्कुल अरुण जी यही बहुत सारी पेचीदगियां हैं, इसी को लेकर ये मामला अब तक इसी तरह से बातचीत के दौर में ही रहा। लेकिन अब बड़ा फैसला ले लिया गया है, कमेटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, सबके विचार को समझना, सबके विचार को शामिल करना और फिर एक नतीजे पर पहुंचना बड़ा चैलेंजिंग है। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, राजनीतिक पार्टियों के अलावा जिन जिन राज्यों में जिन पार्टियों की सरकार है वहां से भी कंसल्टेशन होना ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ एक टेक्निकल दिक्कत ये भी आएगी क्योंकि कई राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव से एक साल पहले, दो साल पहले होते हैं, तो ऐसे में इन सबको कैसे समाहित किया जा सकता है। देखिए, कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा से पहले होते हैं, चार पांच राज्यों के, और लोकसभा चुनाव के बाद चार पांच राज्यों के चुनाव होते हैं, तो इन राज्यों के चुनाव तो साथ कराए जा सकते हैं। लेकिन जो जिनके कार्यकाल ढाई साल पूरे हुए हैं या जिनके कार्यकाल तीन साल पूरे हुए हैं उसको किस तरीके से किया जा सकता है, तो ये कई टेक्निकल चीजें हैं जिसका समाधान ही इस कमिटी के पास रहेगा कि किस तरीके से इसका समाधान बिल्कुल किया तो जाए। हर बिंदु हर पहलू पर ये कमिटी अध्ययन करेगी, सबसे विचार विमर्श करेगी और फिर देखना होगा कि किस नतीजे पर पहुंचती है जब ये रिपोर्ट अपनी सरकार को ये सौंपेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।